नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो CET को लेकर, यानी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर नया CET हरियाणा सरकार कंडक्ट कराने जा रही है, उसको लेकर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार के द्वारा सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा गया है। तो एक बड़ी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ मैं इसको कह सकता हूँ। लेकिन साथियों, अभी तक CET पॉलिसी में किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं हुआ है, और जो साथी डिमांड कर रहे थे कि CET को क्वालिफाई किया जाए, मिनिमम 15 टाइम तो किया जाए, उन कैंडिडेट के लिए अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं। हाँ, CET दोबारा होगा ये बात कन्फर्म है, और 31 दिसंबर से पहले कराने की इसकी संभावना हो सकता है। इस बार CET आपका NTA ना कंडक्ट कराए, HSSC अपने लेवल पर ही कंडक्ट कराए, क्योंकि पिछली बार NTA ने CET कराया था, बहुत सारी दिक्कतों का सामना यहाँ पर आयोग को करना पड़ा था। तो इस बार CET NTA की बजाय खुद कंडक्ट करा सकता है। अगर CET को 15 टाइम कराना है, क्वालिफाई कराना है, उसके लिए आपको सरकार तक अपनी मांग पहुँचानी पड़ेगी। विदाउट अमेंडमेंट ये चीज़ पॉसिबल नहीं, और रिटर्न एग्जाम से पहले ही इसमें अमेंडमेंट होना जरूरी है। जो लेटर जारी हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टू द सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिगार्डिंग कंडक्टिंग ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2024, काइंडली रेफर ऑन द सब्जेक्ट नोटेड अबव, यू आर डायरेक्टेड टू कंडक्ट द CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बिफोर द 31st of December 2024। 31 दिसंबर 2024 से पहले जो है इसमें आपको CET कंडक्ट कराना, द इश्यूज विद अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट थी जो आपको देनी थी, इस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।